साथ बेटा। अरे बेटा जल्दी से उस रिक्शे वाले को फोन करके आसमा का पता करो बच्चे। नहीं रात हो गई है अभी तक वो घर नहीं पहुंची, मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। अच्छा हाँ मैं तुम्हारे फोन का इंतजार करती हूँ। खुदा हाफिज। अस्मा को न जाने क्यों ये लोग इतनी आजादी दिए जा रहे हैं। मैं अपनी जिम्मेदारी नहीं उठा सकती, इसकी जिम्मेदारी क्या उठाऊंगी मैं। अच्छी खासी घरदार लड़की थी, कभी अकेली गेट से बाहर भी नहीं निकली, और अब देखो शाम से रात पड़ गई है अभी तक घर वापस नहीं आई। नबी सलाम अलैकुम। शुक्र अल्लाह का तुम आ गई। तुम्हें पता है परेशानी के मारे मेरी और अम्मा जान की तो जान ही निकली जा रही थी। हाँ वो ट्रैफिक बहुत था नबी। अरे तू अपनी एकेडमी से जल्दी निकला करना, तुझे पता है शाम को बहुत रश हो जाती है रस्तों पर। वो मैं तो जल्दी आ रही थी लेकिन फिर टीचर ने कहा कि चैप्टर खत्म करके जाओ। इधर देख एकेडमी से आ रही है या कहीं और से। मैं तो एकेडमी से ही आ रही हूँ, और कहाँ से आऊंगी मैं। तो आप ही ना फजूल बातें करती हैं। अरे उधर कहाँ जा रही है, बड़ी बेगम साहब फिक्रमंद हो रही है, चलो उनके कमरे में। क्वार्टर की तरफ भागी चली जा रही है, चल। मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ, बस मैं आ रही हूँ। क्या है कमरे में भागी चली जा रही है अपने। लड़की के तो रंग ढंग ही बदल गए। आजादी है ना आजादी, आजादी चीज ही ऐसी होती। अस्मा इधर तो देखो। तुम अपनी जान पहले ही मेरे नाम कर चुकी हो, इसे तुम्हारी जान की हिफाजत करना मेरा फर्ज है। शी इज अ वेरी स्टेटस कॉन्शियस वुमन, तब वो भी उसी तरह सोचे जिस तरह कोई भी अमीर औरत अपने बेटे के लिए सोचे। तुमसे तो वो मेरी कभी शादी नहीं होने देगी। सुनो बेहतर है कि शहरियार से दूर रहो, खामखा में तुम्हारी बदनामी है।